हेलो फ्रेंड्स, आपको सेंट्रल एंड ओडिशा गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल वेलकम। फ्रेंड्स देखो, आप जब मिनिमम दशम पास करते आपण बहुत बड़ भल सुजोग गोटे आसी जोटा कि ओडिशा गवर्नमेंट जॉब मध्ये रहउची। यहाँ आम ओडिशार समस्त जिलार प्रार्थी उभय पुरुष और महिला आवेदन करेंगे। वही आप जो जॉब वैकेंसी गुड़िक रही है रोज डाटा एंट्री ऑपरेटर भी आपड़ा वैकेंसी रही, स्किल्ड वर्कर भी वैकेंसी रही, प्रोजेक्ट आसीस्टांट वैकेंसी रही। बहुत भल वैकेंसी रही, दशम पास वैकेंसी रही। वही आप पर मंथ सैलरी रही 16,000 टाँह, जोटा कि बहुत भल सैलरी रही गवर्नमेंट जॉब रही। आपत पर मंथ आगे सैलरी इनक्रीज कर चलो। फ्रेंड्स आम चलते आगे देखने वार सिलेक्शन प्रोसेस कौन रही है, आम चलते आगे देखने वा। फ्रेंड्स देखिए पोस्ट नेम गुड़िक, प्रोजेक्ट आसीस्टांट वैकेंसी रही, डाटा एंट्री ऑपरेटर वैकेंसी रही, स्किल्ड वर्कर वैकेंसी रही। जॉब गुड़िक बहुत सारा वैकेंसी आसी जाए जोटा कि आम ओडिशार समस्त आवेदन करेंगे। फ्रेंड्स आम चलते आगे देखने जॉब पर सिलेक्शन प्रोसेस कौन रोच, एज लिमिट कौन रोच, लास्ट डेट टी के रोच, सैलरी कौन रोच, आगे चलने आम विषय डिटेल्स चेक कर नौ। देखते यहाँ के आवेदन करेंगे, हु कैन अप्लाई, ऑल ओडिशा कैंडिडेट। आम ओडिशार समस्त जिलार प्रार्थी आवेदन करेंगे। वो जेंडर रही बोथ मेल एवं फीमेल, उभय पुरुष और महिला। आम ओडिशार उभय पुरुष और महिला समस्त यहाँ आवेदन करेंगे। वो अप्लाई मोडटे आपको ऑफलाइन, आपण यहाँ ऑफलाइन माध्यम आवेदन करेंगे। ए कौन एग्जामिनेशन देवाक पड़ोनी कि कौन से आप्लिकेसन फी देखा पड़े ना। फ्रेंड्स देखो, आप डाटा एंट्री ऑपरेटर पर जब आवेदन करने चाहते तेल आप मिनिमम 12th क्लास पास करते साइंस स्ट्रीम। आपड़ी प्लस टू साइंस स्ट्रीम पास करते आप डाटा एंट्री ऑपरेटर पर आवेदन करेंगे। और आपको कंप्यूटर टाइपिंग आसुवा आवश्यक, तेल आप डाटा एंट्री ऑपरेटर पर आवेदन करेंगे। और ए पर मंथ सैलरी आप 18,000 टाँह, जोटा कि बहुत भल सैलरी रोच। गवर्नमेंट जॉब रही है, आप आगे सैलरी इनक्रीज कर चलो। और एज लिमिट ये रही मैक्सिमम एज 28 वर्ष। आपड़ जब मिनिमम 18 रु 28 वर्ष बयस होती है आप डाटा एंट्री ऑपरेटर पर आवेदन करेंगे। बहुत भल वैकेंसी रही, आपड़क आवेदन करनी। फ्रेंड्स देखो, आप स्किल्ड वर्कर आवेदन करने चाहते कैंडिडेट शुड हैव पास्ड ओनली 10th एग्जामिनेशन। आपड़ जब मिनिमम 10th क्लास पास करते आप स्किल्ड वर्कर पर आवेदन करेंगे। पर मंथ सैलरी आप 15,800 टाँह, जोटा कि बहुत भल सैलरी रोच। आपड़ी इलिजिबल होते आवेदन करनी। एज लिमिट आप मैक्सिमम 25 वर्ष। आपड़ जब मिनिमम 18 रु मैक्सिमम 25 वर्ष बयस होती है आप स्किल्ड वर्कर पर आवेदन करेंगे, जोटा कि बहुत भल जब रोच। आपड़ी इलिजिबल होते आवेदन करनी मुझे कहूँ। देखो, आप प्रोजेक्ट आसीस्टांट पदवी पर आवेदन करने चाहते से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रही, ग्रेजुएशन इन लाइफ साइंस कि ग्रेजुएशन इन जूलोजी कि ग्रेजुएशन इन बॉटनी जब आप कंप्लीट करते तेल आप प्रोजेक्ट आसीस्टांट पदवी पर आवेदन करेंगे। एपंर वर्क एक्सपीरियंस आवश्यक पड़ी और सैलरी आप रही है 30,000 टाँह पर मंथ सैलरी आसो, जोटा कि बहुत भल सैलरी रोक। एज लिमिट आप मैक्सिमम 30 वर्ष। आप मैक्सिमम 30 वर्ष हो कि 18 रु 30 वर्ष बयस रही है आप प्रोजेक्ट आसीस्टांट पदवी पर आवेदन करेंगे। फ्रेंड्स आप तीनोटी जॉब रु जो जॉब पर एलिजिबल होते आवेदन करनी। फ्रेंड्स आम चलते आगे देखने वार सिलेक्शन प्रोसेस टी कौन रोच, लास्ट डेट के आम चलते आगे सब ए विषय में डिटेल्स चेक कर नौ। फ्रेंड्स देखते, आप जॉब लोकेशन रोज कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, आप कोरापुट डिस्ट्रिक्ट जॉब टी मिल जाव। जो सिलेक्शन प्रोसेस रोचे आप इंटरव्यू साइज आप सिलेक्शन हो आप जो डेट ऑफ इंटरव्यू टी रही है 12 जनवरी 2021 आप इंटरव्यू टी हो। लोकेशन टी आप ICMR VCRC फिल्ड स्टेशन हाथी लाइन नियर कलेक्टर ऑफिस कोरापुट, पिन रही 7640020। मुझे आप्लिकेसन फर्म टी आप डिस्क्रिप्शन बक्स देखिए जा डिटेल्स चेक करेंगे। फ्रेंड्स आप सब जॉब अपडेट और एजुकेशनल टाइप भिडियो देखा चाहते आमर चैनल सब्सक्राइब करनी। फ्रेंड्स आज ये रोचे, धन्यवाद, जय जगन्नाथ।